Hello everyone, welcome to Shruti Academy. Today we will learn how to expand each of the following using suitable identities. अब हमें जो है ना expand करना है किसे x plus 2y plus 4z whole square को किसका use करके identity का use करते हुए. तो identity हमारे पास क्या है इसकी comparison में, मतलब कि इसी के जैसी, इसी के form जैसी हो. तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. ओके, ये किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए. ओके, अब यहाँ पे अगर हम इसे अगर कंपेयर करें, सो देखो a, a किसके इक्वल है x के, b किसके इक्वल है 2y के, देन सी, सी किसके इक्वल है 4z के. वैसे इक्वल नहीं है ये, ए एक्स के इक्वल नहीं है, बट अगर हम अगर कंपेयर करें तो ए की जगह हमने क्या लिया x, बी की जगह हमने क्या लिया 2y, सी की जगह हमने क्या लिया 4z. ओके, वैसे ये जो है जैसे बी 2y के इक्वल है, सो ऐसे ही तो ये इक्वल नहीं है, बट ये हम क्या कर रहे हैं कि बी की जगह पे हमारे पास क्या है 2y. अब a, a क्या है x, तो ये हो गया x का होल स्क्वायर प्लस b, b की जगह पे क्या है 2y, सो ये हो गया 2y का होल स्क्वायर प्लस c, c की जगह पे क्या है 4z, तो ये हो गया 4z का होल स्क्वायर प्लस 2, a क्या है x, b क्या है 2y, प्लस 2, b क्या है 2y और c क्या है 4z, प्लस 2, c क्या है 4z, ए क्या है x. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. अब देखो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं 2y स्क्वायर, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. क्यों, क्योंकि हमें जो है 2 का भी स्क्वायर करना है. 2 का स्क्वायर मीन्स 2 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा 4, सो हमारा आंसर क्या आ गया 4y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और z का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस. अब आप देखो इसको सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, टू टू ज फोर एक्स वाई, एक्स वाई प्लस टू टू ज फोर, फोर फोर ज सिक्सटीन, ये हो गया 16y प्लस. अब आप देखो टू फोर ज हो गया एट, एट जेड एक्स. अब यहाँ पे जो जितनी भी टर्म्स है, सिक्स टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे अल्जेब्रिक फैक्टर क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे वाई जेड, यहाँ पे जेड एक्स, सबके अल्जेब्रिक फैक्टर्स क्या है डिफरेंट है, तो हम किसी को भी ऐड नहीं कर सकते. क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई है, अगर यहाँ पे भी 16 के साथ एक्स वाई होता तब ऐड होते, यहाँ पे एक्स वाई है यहाँ पे वाई जेड है, डिफरेंट है तो हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते. तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16y z प्लस 8zx. ओके, नाउ वी विल सी सम मोर पार्ट्स. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज 2x माइनस y प्लस z होल स्क्वायर, और हम यहाँ पे भी जो है यही आइडेंटिटी यूज करेंगे. अब यहाँ पे a, a की जगह पे क्या है 2x, तो a इज इक्वल टू 2x. b की जगह पे क्या है, यहाँ पे प्लस b है और यहाँ पे माइनस y, सो b की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, माइनस y. अब c, c किसके इक्वल हो गया z के. ओके, अब a स्क्वायर, a क्या है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस b क्या है माइनस y का होल स्क्वायर प्लस c क्या है z, z का होल स्क्वायर प्लस 2, a क्या है 2x, b क्या है माइनस y प्लस 2, b क्या है माइनस y, c क्या है z प्लस 2, c क्या है z और a क्या है 2x. हम सॉल्व करेंगे, 2 2 से क्या हो गया 4, 4x स्क्वायर प्लस माइनस y, माइनस y क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस y, y y स्क्वायर, सो ये हो गया y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. अब देखो प्लस माइनस माइनस, टू टू ज फोर, फोर और x y. अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस टू वाई जेड, अब प्लस टू टू ज फोर, फोर जेड एक्स, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर.
ओके. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू जेड का होल स्क्वायर. सो अब यहाँ पे ए के इसके इक्वल हो गया माइनस टू एक्स के, बी किसके इक्वल हो गया थ्री वाई के, अब सी किसके इक्वल हो गया टू जेड के. ओके अब ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर, प्लस बी की जगह पे हम क्या पुट करेंगे थ्री वाई का होल स्क्वायर, प्लस सी की जगह पे टू जेड का होल स्क्वायर, प्लस टू ए बी. ए क्या है माइनस टू एक्स, बी क्या है थ्री वाई, प्लस टू बी क्या है थ्री वाई, सी क्या है टू जेड, प्लस टू सी क्या है टू जेड, ए क्या है माइनस टू एक्स. ओके अब आप देखो माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू क्या हो गया माइनस माइनस प्लस टू टू जो हो गया फोर. सो ये हो गया फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री थ्री जो क्या होगा नाइन वाई स्क्वायर प्लस टू टू जो क्या हो गया फोर, ये हो गया फोर जेड स्क्वायर. अब आप देखो प्लस माइनस माइनस टू टू जो फोर, फोर थ्री जो ट्वेल्व, ये हो गया ट्वेल्व एक्स वाई. अब प्लस प्लस टू थ्री जो सिक्स, सिक्स टू जो ट्वेल्व, ट्वेल्व वाई जेड. अब प्लस माइनस माइनस टू टू जो फोर, फोर टू जो एट, एट जेड एक्स. सो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर. ओके नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज थ्री ए माइनस सेवन बी माइनस सी होल स्क्वायर. सो अब यहाँ पे ए किसकी इक्वल है थ्री ए के. ओके अब बी, बी किसकी इक्वल हो गया माइनस सेवन बी के. अब सी की जगह हम क्या लिखेंगे माइनस सी. ओके अब ए क्या है थ्री ए, तो ये हो गया थ्री ए का होल स्क्वायर प्लस बी, बी क्या है माइनस सेवन बी, तो माइनस सेवन बी का होल स्क्वायर प्लस सी. सी की जगह पे क्या है माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी. ए क्या है थ्री ए, बी क्या है माइनस सेवन बी प्लस टू. बी की जगह पे क्या है माइनस सेवन बी और सी की जगह पे क्या है माइनस सी प्लस टू. सी की जगह पे माइनस सी और ए की जगह पे थ्री ए. अब आप देखो थ्री थ्री सा क्या हो गया नाइन, सो ये हो गया नाइन ए स्क्वायर प्लस माइनस सेवन क्या हो गया फोर्टी नाइन, सो ये हो गया फोर्टी नाइन बी स्क्वायर प्लस माइनस सी होल स्क्वायर क्या हो गया सी स्क्वायर. अब आप देखो प्लस माइनस माइनस टू थ्री जा सिक्स एंड सिक्स सेवन जा फोर्टी टू, सो ये हो गया फोर्टी टू ए बी. अब देखो प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस. अब टू सेवन जो हो गया फोर्टीन, फोर्टीन बी सी. अब प्लस माइनस माइनस टू थ्री जा सिक्स, सिक्स ए सी. सो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर. ओके नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज माइनस टू एक्स प्लस फाइव वाई माइनस थ्री जेड का होल स्क्वायर. अब ए की प्लेस पे क्या है माइनस टू एक्स, अब बी की प्लेस पे क्या है फाइव वाई और सी की प्लेस पे हमारे पास क्या है माइनस थ्री जेड. सो ए क्या हो गया माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी क्या हो गया फाइव वाई का होल स्क्वायर प्लस सी क्या हो गया माइनस थ्री जेड का होल स्क्वायर प्लस टू. ए क्या है माइनस टू एक्स, बी क्या है फाइव वाई प्लस टू, बी क्या है फाइव वाई, सी क्या है माइनस थ्री जेड प्लस टू, सी क्या है माइनस थ्री जेड, ए क्या है माइनस टू एक्स. ओके अब आप देखो ये माइनस टू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर, फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव वाई स्क्वायर प्लस माइनस थ्री क्या हो गया नाइन जेड स्क्वायर. अब प्लस माइनस माइनस टू टू जा फोर, फोर फाइव जा, फोर फाइव जा ट्वेंटी, ट्वेंटी एक्स वाई. अब प्लस माइनस माइनस टू फाइव जा टेन, टेन थ्री जा थर्टी वाई जेड. अब आप देखो माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस क्या हो गया प्लस, टू थ्री जा सिक्स एंड सिक्स टू जा ट्वेल्व जेड एक्स. तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर. ओके
Now the last part is 1 upon 4a minus 1 upon 2b plus 1 का whole square. अब a किसके equal है? अब 1 को a से multiply करेंगे तो a ही आ जाएगा, तो ये हो गया a upon 4. अब b किसके equal है? Minus b upon 2. क्योंकि 1 को जब हम b से multiply करेंगे तो क्या आएगा? b आएगा. अब c किसके equal हो गया? 1 के. ओके, अब a क्या है? a upon 4 का whole square प्लस b क्या है? माइनस b अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस c क्या है? 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 a क्या है? a अपॉन 4 b क्या है? माइनस b अपॉन 2 प्लस 2 b क्या है? माइनस b अपॉन 2 c क्या है? 1 प्लस 2 c क्या है? 1 b क्या है? a अपॉन 4. ओके, अब आप देखो a का स्क्वायर a स्क्वायर, 4 4 is 16, तो ये हो गया a square upon 16, plus b का square, b square, और 2 2 हो गया क्या? 4, plus 1 का whole square, 1 ही, अब आप देखो, plus minus, minus, अब यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 2 है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? Cancel, so हमारे पास क्या बचा? ab upon 4, अब आप देखो प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर है या दोनों जो है किसी सेम टेबल में आते हैं तो हम क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं. सो ये आ गया हमारे पास माइनस बी प्लस 2 एंड 4. 2 एंड 4 दोनों जो है किसकी टेबल में आते हैं? 2 की टेबल में 2 कब आता है? 1 पे. 4 कब आता है? 2 पे. तो ये हो गया प्लस ए अपॉन. सो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर. तो इस तरीके से हम जो है इन्हें एक्सपैंड करेंगे आइडेंटिटीज का यूज करते हुए. ओके, आई होप यू लाइक माय वीडियो. इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट ऑन माय वीडियो. काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.